नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया, क्योंकि इराक में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अपने जनरल की मौत पर ईरान अमेरिका से काफी नाराज है और अपने जनरल की मौत का बदला लेने के लिए ऐलान कर चुका है। इसी बीच विदेशी मीडिया की माने तो ईरान ने अपने जनरल का बदला लेने के लिए इराक में अमेरिकी बेस कैंप पर दो रॉकेट भी छोड़े हैं, जिसमें स्थानीय 6 नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन सवाल है कि ईरान में जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर जनरल सुलेमानी को कैसे अमेरिका ने ढेर किया और वो कौन सा हथियार है जिससे ईरानी जेम्स बॉन्ड की मौत हो गई। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे ईरानी जनरल को अमेरिका ने निशाना बनाया और किस हथियार से निशाना बनाया, जिससे कि बगदाद एयरपोर्ट पर ही जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। अमेरिका ने शुक्रवार को इराक की राजधानी बगदाद में एयर स्ट्राइक करके ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। अमेरिका ने जनरल सुलेमानी को उस समय निशाना बनाया जब वो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। अमेरिका ने ईरान के टॉप इंटेलिजेंस कमांडर जनरल सुलेमानी को मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रीपर ड्रोन। अमेरिका का ये बेहद खतरनाक ड्रोन आर्म्ड मल्टी मिशन मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस सिस्टम का हथियार है। अमेरिकी एयरफोर्स की माने तो इस ड्रोन को बड़े हमले के लिए तैयार किया गया है। ये 1150 मील की रेंज के साथ 50,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन को वाइड रेंज सेंसर, मल्टी मोड कम्युनिकेशन सूट और सटीक हथियारों से लैस है। 4,900 पाउंड वजनी इस ड्रोन में 2,200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है। यह अपने साथ 4,760 किलो का वजन लेकर 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी करने, तलाशी अभियान चलाने और राहत बचाव मिशन में भी काम लिया जाता है। MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका में साल 2007 से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके विंग स्पैन की लंबाई 66 फुट है। MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत $64.2 मिलियन है और अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत 460,70,56,200 रुपए होती है। MQ-9 रीपर ड्रोन चलते फिरते टारगेट को सटीकता के साथ निशाना बनाने में सक्षम है। इससे हेलफायर मिसाइलों को आसानी से दागा जा सकता है। इस ड्रोन में एक पायलट और सेंसर ऑपरेटर के बैठने की जगह है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि अमेरिका ने शुक्रवार को इराक की राजधानी बगदाद में MQ-9 रीपर ड्रोन से ही हवाई हमला किया था, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना घातक हथियार अमेरिका के पास है और किस घातक हथियार से हमला कर ईरान में जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारा गया। अब देखना होगा कि क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और इसका ईरान कैसे जवाब देता है, क्योंकि अपने टॉप कमांडर का बदला लेने के लिए ईरान ने ऐलान कर दिया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है।